नवरात्र के पावन पर्व पर आप सभी मित्रों को टीवी 20 न्यूज परिवार की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज, बने रहिए हमारे साथ। मैं हूं अशोक वर्मा। इस खबर के प्रायोजक हैं पूर्वांचल मशीनरी एजेंसीज अधिकृत विक्रेता, जहां आपको मिलेगा किर्लोस्कर व प्रकाश जनरेटर के साथ ही सेंचुरी प्लाईवुड, माइका व हार्डवेयर के सभी सामान। हमारा पता है नरौली तनस्क शोरूम और नगर पालिका सिविल लाइन आजमगढ़। मोबाइल नंबर है 9415207728, यानी 9415207728। आजमगढ़ जिले में एरौला क्षेत्र में लूट की घटना में फरार चल रहे 25,000 के इनामी बदमाश को पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया गया। उसके पास से असलाह कारतूस बरामद किया गया है। पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य ने घटना खुलासा करते हुए बताया कि बीते 24 अगस्त को एरौला क्षेत्र में बदमाशों ने एक व्यक्ति से असलह के बल पर 1,22,000 रुपये, टैबलेट और मोबाइल को लूट कर फरार हो गए थे। पुलिस को तभी से इन बदमाशों की तलाश थी। इस मामले में एरौला थाने की पुलिस ने लूट में शामिल 3 बदमाशों को बीते 6 अक्टूबर को गिरफ्तार कर लिया था, जबकि एक बदमाश अभी भी फरार चल रहा था। इसी बीच एरौला थाने की पुलिस को सोमवार सुबह 6:30 बजे के करीब मुखबिर से सूचना मिली कि लूट की घटना में शामिल अभियुक्त एरौला थाना क्षेत्र के खादा रामपुर की तरफ बाइक से आने वाला है। पुलिस ने घेराबंदी कर चौकी शुरू कर दी। इसी बीच बाइक से एक युवक आता दिखा। पुलिस ने उसे रुकने का इशारा किया तो वह पुलिस टीम पर फायरिंग करते हुए भागने लगा। पुलिस की आत्मरक्षण चबाई कार्रवाई में बदमाश के पैर में गोली लगी। SP ने बताया कि बदमाश की पहचान अम्बेडकर नगर जिले के जैतपुर थाना क्षेत्र के करुमल्लापुर गांव निवासी के रूप में हुई है, जिसके ऊपर 25,000 का इनाम भी घोषित था। पुलिस ने उसके पास से असलाह कारतूस और लूट के 2,200 रुपये बरामद किए गए हैं। उसके ऊपर गैंगस्टर एक्ट के तहत भी कार्रवाई की जाएगी। मामले में SP अनुराग आर्य ने क्या कुछ कहा, सुनिए। थाना क्षेत्र एरौला में 24 अगस्त को एक लूट की घटना घटित हुई थी, जिसमें एक व्यक्ति से मोटरसाइकिल सवार लोगों द्वारा 1,22,000 रुपये, टैबलेट और फोन छीना गया था। इसमें 6 अक्टूबर को घटना का अनावरण करते हुए 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया था। एक अभियुक्त राहुल यादव, जो फरार चल रहा था और जिसके ऊपर 25,000 रुपये का पुरस्कार घोषित था, इसको आज सुबह पुलिस मुठभेड़ के दौरान पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है। इस दौरान इसके पास से एक अवैध तमंचा, लूटी हुई रकम की धनराशि और उसके साथ साथ कारतूस बरामद हुए हैं। इससे विस्तृत रूप से थाने के द्वारा पूछताछ की जा रही है। आगे की कार्रवाई गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत इन सभी अभियुक्तों के विरुद्ध की जाएगी।